जो लोग वेट कर रहे थे iPhone SE2 का और जो लोग सोच रहे थे कि वो थोड़ा सस्ता iPhone SE2 लेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कोई भी iPhone SE2 इस साल नहीं आने वाला है और ऐसा भी नहीं होने वाला है, ऐसा आने वाले सालों में भी होने वाला है, क्योंकि iPhone SE2 का जो प्रोजेक्ट था वो एप्पल ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। या फिर कोई सस्ता iPhone अगर आपको फ्यूचर में देखने को मिले, इस टाइप के प्लान्स भी एप्पल ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये खुद फोर्ब्स ने दी और फोर्ब्स एक काफी पॉपुलर और रेप्यूटेटेड न्यूज की वेबसाइट है। तो आप यही समझ सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई भी iPhone SE2 या फिर iPhone SE जैसा कोई भी सस्ता वाला iPhone आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में एप्पल ऐसा कर क्यों रही है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक्चुअली में किसी भी iPhone को एकदम से डिसकंटिन्यू करना, ऐसा एप्पल पहले भी कर चुकी है। 2013 में वो अपना iPhone 5C लाए थे जो उस समय के हिसाब से काफी सस्ता iPhone था और उसके साथ एक महंगा iPhone भी आया था iPhone 5S, लेकिन ये फोन जो था iPhone 5S से भी सस्ता था। लेकिन iPhone 5C था ना, वो इतना नहीं बिका और एक्चुअली में जो iPhone 5S था जो उस समय काफी ज्यादा महंगा फोन था ना, वो काफी ज्यादा बिका, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा बेटर कैमरा था, उसके अंदर आपको टच आईडी देखने को मिलता था और वो एल्यूमिनियम के डिजाइन के साथ आता था, तो वो फोन ज्यादा बिका। जबकि iPhone 5C थोड़ा सस्ता था, उसके अंदर आपको iPhone 5 का हार्डवेयर मिलता था, वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता था, लेकिन वो सस्ता होने के बावजूद भी उस फोन की सेल उतनी नहीं हुई और iPhone 5S इतना बिकता चला कि अगर आप भी आज सेकंड हैंड iPhone 5S लेना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप ब्रांड न्यू भी चाहो ना iPhone 5S लेना तो भी आपको इजीली मिल सकता है, लेकिन आज की डेट में आपको iPhone 5C नहीं मिलेगा। और एक और बात आपको समझने वाली है कि एप्पल के हमेशा से महंगे फोन जो है वो हमेशा से बिकते रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे iPhone 7 और iPhone 7 Plus का, तो iPhone 7 Plus हमेशा ज्यादा बिकता रहा क्योंकि उसके अंदर डुअल कैमरा था, पोर्ट्रेट मोड था, और इस साल भी जो iPhone 10 है वो भी काफी ज्यादा बिकता रहा है। अगर हम iPhone 10 के पहले 3 मंथ्स की सेल्स देखें ना, तो वो है 29 मिलियन, यानी कि एप्पल का अभी तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला जो iPhone है वो अभी तक का iPhone 10 ही है। मतलब iPhone 10 की सेल्स इतनी ज्यादा हो रही थी कि एप्पल उस डिमांड को हैंडल तक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे iPhone 10 में, जबकि लोगों ने iPhone 8 और iPhone 8 Plus लिए, लेकिन iPhone 10 कुछ ज्यादा ही लोगों ने ले लिए। और अगर हम एप्पल की नजर से इस चीज को देखें तो ये समझदारी भरा मूव लगता है, क्योंकि एप्पल जानता है कि उसके केवल महंगे ही फोन बिकते हैं और अगर वो सस्ता फोन निकाल भी देगा तब भी उसके महंगे ही फोन बिकेंगे, उसके सस्ते फोन को ही नहीं खरीदेगा। इसलिए एप्पल ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि एक सस्ते iPhone को निकाला जाए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वहां पे केवल उनके केवल महंगे ही फोन बिकते हैं और वो महंगे फोन से इतना ज्यादा पैसा बना लें कि वो अपना सारा पैसा वेस्ट करें किसी सस्ते फोन के साथ, और इसलिए अब वो फोकस अपने केवल प्रीमियम फोन पे कर रहे हैं। और अगर आप खुद ही सोचिए कि इस साल अगर वो iPhone SE 2 निकाल दें और उसके कुछ महीने बाद iPhone, iPhone 10 और iPhone 10 Plus भी निकाल दें, तो इन सारे फोन्स में से भी सबसे ज्यादा केवल iPhone 10 Plus जो सबसे महंगा iPhone होगा ना वो ही बिकेगा। और एक और वजह ये भी है कि इस साल वो अपना एक थोड़ा सा सस्ता iPhone भी निकालने वाले हैं, जो एग्जैक्टली iPhone 10 का ही थोड़ा सा सस्ता वर्जन होगा और जो होगा 6.1 इंच की LCD स्क्रीन के साथ आएगा। एक्चुअली मैं इस iPhone और बाकी जो iPhone आ रहे हैं इनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें 6.1 इंच के LCD स्क्रीन वाले iPhone की, तो वो सबसे सस्ता होगा, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, वो इतना भी सस्ता नहीं होगा, उसकी कीमत लगभग 60,000 के ऊपर होगी, लेकिन देखने में iPhone 10 जैसा होगा और उसके अंदर OLED स्क्रीन लगे LCD स्क्रीन होगी। और एक और हिंट इस बात का ये भी है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है अभी लेटेस्ट, उससे देख के पता चलता है कि एप्पल बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में आज की डेट में iPhones को मैन्युफैक्चर कर रही है और सबसे ज्यादा जो iPhone मैन्युफैक्चर हो रहा है वो केवल 6.1 इंच का LCD स्क्रीन का iPhone ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो एप्पल को ऐसा लगता है कि 6.1 इंच LCD वाला जो iPhone है वो सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको नॉच और फेस आईडी मिलेगा। लेकिन शायद ये बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि iPhone 10 और iPhone 10 Plus जो 2018 में आने वाले वो शायद इससे भी ज्यादा बिक सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो लोग iPhone SE 2 का वेट कर रहे थे वो लोग वेट ना करें, और अगर उन्हें वेट करना है तो वो 6.1 इंच की जो LCD स्क्रीन वाला जो iPhone है वो ले सकते हैं। और लोगों का बजट अगर 60,000 इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मेरी ये सलाह होगी उन लोगों से कि वो OnePlus 6 जैसा कोई फोन ले ले। बाकी आप लोगों क्या लगता है कि एप्पल सही कर रही है iPhone SE 2 को ना लाके, या फिर उन्हें iPhone SE 2 लाना चाहिए था, ये सारी बातें आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।